सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चेक बॉक्स कंपोनेंट को स्केचवेयर में कैसे यूज कर सकते हैं। जी हां गाइस, बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो न्यू हैं, बिगनर हैं, जिन्हें पता नहीं कि चेक बॉक्स कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं स्केचवेयर में, वो उनके लिए ये वीडियो है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चेक बॉक्स कैसे यूज करते हैं, अगर आपको पहले से पता था तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किनको पता था गाइस, ताकि हम मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को पता था। और अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको पता है फिर भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है कि आपका चेकबॉक्स आप सही तरीके से सही मेथड यूज नहीं करते होंगे, सही ब्लॉक्स को यूज नहीं करते होंगे। तो ब्लॉक्स को यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, ये भी प्रॉब्लम मैं बताऊँगा कि बहुत सारे डेवलपर को प्रॉब्लम इंटरफेस देखने को मिलता है, प्रॉब्लम झेलने को मिलता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे चेकबॉक्स को इसलिए यूज़ किया जाता है गाइस कि आप किसी भी मतलब एक्टिविटी में या कोई भी फीचर्स को आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लीनियर लिया है जिसको हम यहाँ पे विजिबल और इनविजिबल करवाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो लीनियर है आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता हुआ नज़र आ रहा होगा गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप अनटिक कर देते तो यहाँ पे आपको इनविजिबल हो जा रहा है गाइस यहाँ पे। तो इस तरह से आप एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं इस तरह से गाइस। तो देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे विजिबल कर देते हैं, और अगर आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप टास्क बार से भी आप अगर हटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे वही यहाँ पे विजिबल आपको नज़र आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक कर रखा था। अगर आप अनटिक कर रखे होंगे और अगर टास्क बार से हटा भी देंगे तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे अनटिक रहेगा गाइस। तो यहाँ पे ये इस तरह से वर्क करेगा गाइस, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स लगा लेते हैं चेकबॉक्स, यहाँ पे अगर आप टिक कर रहे हैं तो यहाँ पे विजिबल या कोई भी फीचर लगा रहे हैं तो आप ये काम करता है, लेकिन अगर आप टास्क बार से हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से ओपन करते हैं तो यहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा, तो आपका फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे विजिबल कर रखा है, मतलब यहाँ पे कलर शो हो रहा है, और अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कलर शो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बहुत सारे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो टास्क बार से अगर आप यहाँ पे विजिबल करवा रहे हैं और अगर आप हटा दे रहे हैं इस तरह से, तो वो आपका फिर से जो है एक्टिविटी जो शुरू हो जाता है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि फिर से शुरू हो जाता है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है। तो ये नहीं होगा गाइस इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये प्रॉब्लम आती है गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम डेवलपर को आती है गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे चेक बॉक्स कैसे ऐड करते हैं स्केचवेयर में। तो सबसे पहले स्केचवेयर एप्लीकेशन में जाएंगे, और यहाँ पे नीचे में मैं एप्लीकेशन में आने के बाद प्लस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ गाइस चेक बॉक्स, और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए मैं आपको सिंपली यहाँ पे लीनियर वी को लेता हूँ, विड्थ इसका मैच पेरेंट, और इसका जो है मैं कर देता हूँ, कुछ नहीं करूँगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ कि लीनियर वी को ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसका जो है मैच पेरेंट विड्थ कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका जो है आप कर सकते हैं यहाँ पे 200 या 300 ये गाइस, या 250 कर देता हूँ गाइस, 250 हाइट। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स ले लेता हूँ जिसका नेम रख देता हूँ यहाँ पे, या चेक ही बॉक्स रखने देता हूँ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लीनियर लेता हूँ जो मैं विजिबल और इनविजिबल कराऊंगा, लीनियर एज को लेता हूँ, इसका हाइट जो है मैच पेरेंट कर देता हूँ, और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ पर्पल। तो देख सकते हैं ये लीनियर पे टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लीनियर जो है 3 है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम यूजर ओपन करे एप्लीकेशन तो यहाँ पे ये लीनियर जो है लीनियर 3 विजिबल नहीं रहे, इनविजिबल रहे, मतलब ये हाइड रहे, यहाँ पे शो नहीं हो। तो यहाँ पे अनटिक रहेगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, और टिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो लीनियर जो है वो आपका शो होगा लीनियर 3।
तो चलिए चलते हैं इवेंट में सेट करेंगे। तो इवेंट में जाएंगे तो यहाँ पे लॉजिक सेट करेंगे। तो लॉजिक सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जब चेकबॉक्स आप वहाँ पे व्यू में ऐड करेंगे तो आपका दो चेकबॉक्स कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहला है यहाँ पे ऑन क्लिक और यहाँ पे ऑन चेंज, मतलब ऑन क्लिक चेंज। जब यहाँ पे टिक रहेगा तो क्या होगा और अनटिक रहेगा तो क्या होगा, तो अनटिक में हम यहाँ पे कुछ नहीं सेट करने वाले हैं, यहाँ पे ऑन चेक्ड चेंज पे हम इस कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे इफ़ देन का हम लाएंगे कंपोनेंट, और यहाँ पे चेक कर देंगे कि चेक करेगा कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंपोनेंट को जो जिसका नेम है शेयर प्रेफरेंस। अगर आपको नहीं पता कि शेयर प्रेफरेंस कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है यहाँ पे चेक प्रेफरेंस कंपोनेंट का, तो आप देख लीजिएगा गाइस यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ चेक, और इसका भी नेम देता हूँ चेक, और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट आपको देख यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इसे लाएंगे दो कंपोनेंट को और यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर देंगे गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे की में डाल देता हूँ चेक, और इसको भी डाल देता हूँ यहाँ पे चेक, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मेरा वन रहेगा, मतलब यहाँ पे टिक रहेगा मेरा चेकबॉक्स, तो क्या होगा कि विजिबल हो जाएगा यहाँ पे लीनियर थ्री विजिबल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मेरा जो है चेकबॉक्स जो है अनटिक रहेगा तो यहाँ पे मतलब जीरो रहेगा, तो यहाँ पे जो है लीनियर थ्री जो है वो गॉन हो जाएगा, मतलब गॉन रहेगा। तो ये सेट करना है गाइस यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब मेरा टिक होगा तो ये लीनियर थ्री जो है विजिबल हो जाएगा, अनटिक रहेगा तो यहाँ पे ये इनविजिबल रहेगा, मतलब गॉन रहेगा। तो ये चेंज में हो गया, सेट कर लेंगे। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये इसलिए हम यहाँ पे इसमें सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब टास्क बार से आप हटाएंगे तो ये क्या करेगा गाइस यहाँ पे सेट करने में बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आती है गाइस, तो यहाँ पे सेट करेंगे हम गाइस, तभी ये आपका प्रॉपरली कम करे मतलब वर्क करेगा गाइस। तो यहाँ पे कंट्रोल में फिर से जाएंगे, यहाँ पे लाएंगे इफ़, अगर यहाँ पे मेरा नोट इक्वल्स कहाँ गया, ये रहा इक्वल्स नॉट इक्वल्स, यहाँ पे कंपोनेंट को गेट करेंगे जो शेयर प्रेफरेंस वहाँ हमने ऐड किया था, जिसका नेम यहाँ पे की रखा था मैंने चेक करके, अगर नॉट इक्वल चेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल में इफ देन लाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल ये लाएंगे इफ देन कंपोनेंट ये वाली, और यहाँ पे चेक कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सॉरी गाइस यहाँ पे एक्चुअली मेरा इधर नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इधर बारिश हो रही है तो वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे की डालेंगे हम चेक करेंगे, ये की डालेंगे, और यहाँ पे अगर मेरा वन रहेगा जैसे कि हमने वहाँ पे चेक किया था, तो वन रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा, व्यू में जाएंगे तो चेक करेगा यहाँ पे कंपोनेंट जो चेक बॉक्स है वो चेक करेगा कि क्या है ट्रू, ट्रू मतलब वन रहेगा मतलब अनेबल रहेगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि टिक रहेगा, तो ये जब मेरा टिक रहेगा तो वन रहेगा, तो क्या होगा यहाँ पे व्यू में हम जाएंगे और सेट विजिबल कर देंगे, ये लीनियर थ्री को हम विजिबल कर देंगे, और अगर यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अगर मेरा यहाँ पे अनटिक रहेगा कंपोनेंट मतलब चेकबॉक्स अनटिक रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, मतलब फॉल्स रहेगा और यहाँ पे लीनियर जो है थ्री गॉन हो जाएगा। तो ये सेट करना था गाइस।
तो सिंपल सा गाइस मेथड है गाइस यहाँ पे। तो अगर आप इस कंपोनेंट को, सॉरी रिटर्नमेंट्स हो रहा है, तो अगर आप इस तरह से रन करते हैं एप्लीकेशन को, इस तरह से चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो आपका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे टास्क बार को अगर आप हटा भी देते हैं टास्क बार से एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपका प्रॉपरली वर्क करेगा गाइस यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस को हमने यूज़ किया गाइस। तो आप वीडियो देख लीजिएगा कि शेयर प्रेफरेंस कंपोनेंट को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने बेसिक्स ऑलरेडी मैंने बना रखा है वीडियो बेसिक्स पे, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है गाइस, यहाँ पे कलर जो है ये विजिबल हो रहा है यहाँ पे। अगर टिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको ये मिस्टेक देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है गाइस यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं देख लेता हूँ, चेक करके बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मिस्टेक हो गया होगा कहीं। तो ये ठीक है गाइस यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जब नॉट इक्वल्स, ये तो ठीक है, सब ठीक है। एक बार ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहाँ पे। तो जब फॉल्स रहेगा तो ये चेक करेगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस सारे कंपोनेंट तो सही है गाइस यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस आपका। एक्चुअली ये लैग कर रहा था मेरा फ़ोन, तो यहाँ पे विजिबल दिखा रहा था आपको। तो देख सकते हैं अगर आप बैकग्राउंड में, यहाँ पे मैंने रन किया तो वही है गाइस, यहाँ पे कोई चेंजेस मैंने नहीं किया। तो बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे को आपको यहाँ पे इनविजिबल दिखेगा। कंपोनेंट पे अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पे विजिबल दिखेगा, अगर आप यहाँ पे टास्क बार से हटा देते हैं और फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे हटा देते हैं, इसे अनटिक कर देते हैं, तो ये आपका जो है अनटिक रहेगा, मतलब इनविजिबल रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे हटा भी देंगे तो ये आपका प्रॉपरली वर्क करेगा गाइस। एक्चुअली मेरा फ़ोन लैग किया था तो इसलिए यहाँ पे आपको ये शो होता हुआ नज़र आया था गाइस। तो होता है कभी कभी यहाँ पे लैग करने की वजह से। तो ये आप इस तरह से कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।